हेलो एंड वेलकम टू वी थ्री कार्स आई एम श्योर आप जानते हैं कि महिंद्रा ने एक्स यू वी थ्री डब्लो के प्राइसिस रिड्यूस किए हैं बट क्या आप जानते हैं कि डीजल इंजन के केस में इसके डब्ल्यू सिक्स वेरियंट का प्राइस इंक्रीज हुआ है अगर आप एक्स यू वी थ्री डब्लो लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस कार का सबसे सूटेबल वेरियंट चूज कर पाएंगे एक्स यू वी थ्री डब्लो के वेरियंट्स एक्सप्लेन करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जैसे कि इसके प्राइसेस, इंजन स्पेसिफिकेशंस और डायमें ताकि आपको इस कार के बारे में एक बेसिक हो जाए सबसे पहले देखते हैं इसके अपडेटेड प्राइसेस लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए वी थ्री कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्ग रहेगा आप अभी टेबल में एक्स यू वी थ्री डब्लो पेट्रोल के ओल्ड एंड न्यू प्राइसेस देख रहे हैं सभी वेरिएंट्स के प्राइसेस कम हुए हैं लेकिन डिफरेंट अमाउंट से इनमें से W8 एट एंड डब्ल्यू ऑप्शनल वेरिएंट के प्राइसेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं W8 वेरिएंट का प्राइस पहले 10 लाख ,00 रुपीज़ से ज़्यादा था और अब 10 लाख ,00 रुपीज़ से कम है तो इसका ऑन रोड प्राइस अब काफ़ी कम होगा आप अब टेबल में एक्स यू डीजल मैनुअल और डीजल ऑटोमेटिक के प्राइसेस देख रहे हैं इट इज़ वर्थ नोटिंग के W6 सिक्स वेरियंट का प्राइस मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के केस में अराउंड ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज से इंक्रीज हुआ है W8 का प्राइस अराउंड ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज से कम हुआ है और W8 एट ऑप्शन का अराउंड फोर्टी थाउजेंड रुपीज से कम हुआ है एक सूबी थ्री डब्ल्यू डीजल के मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अराउंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड रुपीज का डिफरेंस है आप अभी टेबल में डीजल मैनुअल और ऑटोमेटिक के प्राइसेस का डिफरेंस देख सकते हैं

इसकी पावर टू वेट रेशो सिर्फ वेन्यू 1.2 और डब्ल्यू से बेटर है बट टॉक टू वेट रेशो में इट्स अ क्लोज सेकंड आफ्टर वेन्यू टर्बो ये इंजन अपनी पीक टॉक 2000 थाउजेंड पे अचीव करता है एंड वी एक्सपेक्ट कि इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी इट विल बी अमंग्स द बेस्ट कार्स इन दिस सेगमेंट इस इंजन के साथ सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है एंड इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी इज जस्ट शॉर्ट ऑफ 17 के एम XUV3W का लीटर इंजन की मैक्सिमम पावर और थ्री मीटर की पीक टॉक प्रोड्यूस करता है इसकी पावर टू वेट रेशो से है और टॉक टू वेट रेशो सेगमेंट बेस्ट है और यह अच्छी ड्राइवेबिलिटी का इंडिकेटर है इस इंजन के साथ सिक्स स्पीड मैनुअल और सिक्स स्पीड ए एम टी आता है और दोनों केस में क्लेम फ्यूलसी के एम पी एल चलिए अब एक्स थ्री के डायमेंशन देखते हैं

एक्स्यूवी थ्री के बेस W4 वेरिएंट का प्राइस 7.95 लाख रुपीस है lakh lakh विद द पेट्रोल इंजन और 8.7 लाख रुपीस विद डीजल इसको ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और इसमें सब बेसिक सेफ्टी फीचर्स के अलावा इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक डे एंड नाइट आईआरवीएम फोर डिस्क ब्रेक्स और आइसोफिक्स जैसे सेफ्टी फीचर्स आते हैं फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो इस वेरिएंट के की फीचर्स हैं फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ फ्रंट आर्मरेस्ट एडजस्टेबल रियर हेड 60-40 स्प्लिट रियर सीट स्टेयरिंग मोड्स एंड टायर पोजिशन डिस्प्ले स्टेयरिंग मोड से आप स्टेयरिंग की हेवीनैस चेंज कर पाएंगे और टायर पोजिशन डिस्प्ले से इसके एम पे पार्क कार के टायर्स की डायरेक्शन देख सकते हैं ये वेरिएंट बाहर से दिखने में ज़्यादा स्ट्रिप नहीं लगेगा क्योंकि आपको बंपर्स डोर हैंडल्स और ओ तीनों ही बॉडी कलर्ड मिलेंगे हवे इस वेरियंट में डी और एल्स और की जगह पे ब्लैक प्लास्टिक मिलेगा आप अभी टेबल में एक्स यू वी थ्री डब्ल्यू डब्ल्यू फोर के सभी की फीचर्स देख सकते हैं डीजल इंजन के साथ डब्ल्यू फोर वेरियंट में ऑडियो सिस्टम भी मिलेगा विद ब्लूटूथ ऑगजिलरी एंड यू एस बी कनेक्टिविटी ऑप्शन एक्स यू वी थ्री डब्ल्यू डब्ल्यू फोर में स्टियरिंग माउंटेड कंट्रोल्स रिमोट सेंट्रल लॉकिंग और व्हील कवर्स मिसिंग फीचर्स हैं पेट्रोल इंजन के केस में ऑडियो सिस्टम भी एक बेसिक फीचर है जो मिसिंग है आपको डब्ल्यू फोर वेरियंट लेना चाहिए या नहीं इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट डब्ल्यू सिक्स वेरियंट की डिटेल्स में देंगे एक्स्यूवी थ्री के W4 से W6 वेरिएंट में अराउंड 1 लाख रुपीस का डिफरेंस है W4 वेरिएंट के मिसिंग मस्ट हैव फीचर्स इस वेरिएंट में आ जाते हैं W4 वेरिएंट के ऊपर W6 वेरिएंट के की ऑन फीचर्स हैं टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स रिमोट सेंट्रल लॉकिंग यूएसबी चार्जर एडजस्टेबल बूट फ्लोर फुल व्हील कवर्स एंड ब्लैक रूफ रेल इस वेरियंट में एडेड सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इस वेरियंट में एडिड फीचर्स वन लाख रुपीज का इंक्रीमेंट जस्टिफाई नहीं करते और आपको इस पर अपग्रेड नहीं करना चाहिए अगर आप एक्स यू वी थ्री डब्लो का कोई बेसिक वेरिएंट ही लेना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन इज टू बाय डब्ल्यू फोर इसी लेके आप इसमें व्हील कवर्स लगवा सकते हैं और पेट्रोल इंजन लेने वाले बायर्स को इसमें ऑडियो सिस्टम भी रेट्रोफिट करवाना होगा बट आप डब्ल्यू फोर तभी लें अगर आप सिर्फ एक बेसिक कार लेना चाहते हैं वी वुड अदरवाइज रिकमेंड कि आप डब्ल्यू एट वेरियंट करें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ W6 सिक्स वेरियंट में डीजल इंजन के साथ ए का भी ऑप्शन आता है ए के साथ ये बेस्ट वेरियंट है और इसमें सभी मस्ट फीचर्स और कुछ गुड टू हैव फीचर्स आ जाते हैं ए के, के केस में महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी ऑफर करता है इंस्टेड ऑफ बाइंग द W6 सिक्स ए वेरियंट हम रिकमेंड करेंगे कि आप W8 एट वेरियंट ही कंसिडर करें यू विल नॉट रिग्रेट इट एक्सूवी थ्री डब्लो पेट्रोल केस में W6 से W8 वेरिएंट का अपग्रेड अराउंड नाइन्टी टू थाउजेंड रुपीज का है और डीजल के केस में ये वन लाख टेन थाउजेंड रुपीज तक जाता है इस वेरिएंट में कई सेफ्टी एंटरटेनमेंट फंक्शनल और स्टाइल रिलेटेड फीचर्स ऐड हो जाते हैं सेफ्टी के परस्पेक्टिव से इस वेरियंट में प्रोजेक्टर हेड हेडलैम्प्स रियर पार्किंग कैमरा और रियर वाइपर जैसे नोटवर्दी फीचर्स हैं और स्टाइल के परस्पेक्टिव सेवेंटीन इंच एलोय व्हील्स एल ई डी डी आर एल्स लेदर रैप्ड स्टेयरिंग और सिल्वर स्किड प्लेट्स इंपॉर्टेंट हैं एक्स यूवी थ्री के सभी सेफ्टी एंड स्टाइल रिलेटेड फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं इस वेरिएंट से टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में एप्पल कापले और एंड्रॉयड ऑटो के कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं और दो ट्वीटर्स भी एड होते हैं फॉर बेटर ऑडियो आउटपुट की फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो वो होंगे कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप डुअल जोन ऑटो एसी, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट electrically foldable ORVMs, automatic headlamps, cruise control, rear armrest and rain sensing wipers. आप अभी टेबल में XUV300W8 के वो एंटरटेनमेंट एंड फंक्शनल फीचर्स देख रहे हैं जो W6 वेरिएंट में नहीं आते हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन फीचर्स की परसीव्ड वैल्यू 1.5 लाख रुपीज से भी ज्यादा है इसलिए W6 वेरिएंट से W8 पे अपग्रेड हम रेकमेंड करेंगे अगर आप W4 से W8 वेरिएंट का अपग्रेड भी कंसिडर करें तो भी डब्ल्यू एट वेरियंट वैल्यू फॉर मनी अपग्रेड है क्योंकि इस वेरियंट में सब बेसिक और कई मॉडर्न डे फीचर्स आ जाते हैं और यह वैल्यू वाइज भी सेंसिबल अपग्रेड है तो एक्स यूवी थ्री डब्लो की रेंज का यह हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरियंट है तीनों पावर ट्रेन के लिए क्या एक्स यूवी थ्री डब्लो का टॉप डब्ल्यू एट ऑप्शनल वेरियंट भी वैल्यू वाइज सेंसिबल होगा चलिए देखते हैं W8 ऑप्शनल वेरिएंट अब W8 वेरिएंट से अराउंड वन लाख रुपीज एक्सपेंसिव है और इसमें कई सेफ्टी फीचर्स आते हैं जैसे साइड कर्टन एंड नी एयरबैग्स ऑटोडिमिंग आई आर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हिल स्टार्ट असिस्ट और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स इस वेरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगा एक्सवी थ्री ऑप्शनल में कुछ फील गुड फीचर्स आते हैं जैसे सनरूफ लेद्रेट अपोल और मशीन एलॉय व्हील्स डब्ल्यू ऑप्शनल वेरिएंट में जितने भी फीचर्स डब्ल्यू वेरिएंट के ऊपर आते हैं उन्हें आप अभी टेबल में देख सकते हैं इन सब फीचर्स के लिए W8 वेरिएंट पे एक्स्ट्रा वन लाख रुपीज स्पेंड करना हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग बर्थ है इन फीचर्स की परसीव्ड वैल्यू अराउंड 1.5 लाख है क्योंकि ये फीचर सिर्फ गुड टू हैव हैं और मस्ट हैव नहीं तो इनके लिए W8 से W8 ऑप्शनल वेरिएंट पे अपग्रेड करना ये आप पे डिपेंड करता है तीनों पावर ट्रेन केस में चलिए एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं हमारी वेरियंट्स रिलेटेड रिकमेंडेशन लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो so दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। XUV300 में अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन ले रहे हैं पेट्रोल या डीजल किसी भी इंजन के साथ तो W8 अब हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरियंट है इसके प्राइसेस कम होने के बाद अब ये सभी लोअर वेरियंट पे वैल्यूवाइज एक सेंसिबल अपग्रेड है और इसमें सभी मस्ट हैव फीचर्स के अलावा कुछ गुड टू हैव फीचर्स भी हैं एक्सवी थ्री डब्लो का बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अब भी डब्ल्यू एट ऑप्शनल ही है सो so अगर आप अपना बजट डब्ल्यू एट ऑप्शनल तक स्ट्रेच कर सकते हैं तो इसके सेफ्टी फीचर्स के लिए इसे जरूर कंसिडर करें अगर फॉर सम रीजन आप बेस डब्ल्यू फोर और डब्ल्यू सिक्स वेरियंट ही कंसिडर कर रहे हैं तो वी वुड सजेस्ट कि आप डब्ल्यू फोर वेरियंट लेकर उसमें ऑडियो सिस्टम और व्हील कवर्स लगवा लें और डब्ल्यू सिक्स पे अपग्रेड ना करें िकॉज इसके फीचर्स इसकी इंक्रीमेंटल वैल्यू जस्टिफाई नहीं करते अगर आप एक्स यूवी थ्री डब्लो डीजल एम ले रहे हैं तो भी W8 वेरिएंट ही हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है और आप चाहें तो इस केस में भी W8 ऑप्शनल वेरिएंट पे अपग्रेड कर सकते हैं फॉर द सेम रीजन जो हमने मैनुअल के केस में बताए चलिए अब एक्स यूवी थ्री डब्लो के एक्सटीरियर कलर ऑप्शन देखते हैं एक्स यूवी थ्री डब्लो में सिक्स मोनोटोन एक्सटीरियर कलर्स आते हैं व्हाइट सिल्वर रेड एक्वामरीन ऑरेंज और ब्लैक इनके अलावा दो डुअल टोन ऑप्शन हैं रेड विद वाइट रूफ एंड एक्वामरीन विद वाइट रूफ आपको एक्स्यू वी थ्री डबलो किस कलर में बेस्ट लगती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी के साथ खत्म होता है ये वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो हमें उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आप अपने लिए महिंद्रा एक्स यूवी थ्री डब्लो का राइट वेरिएंट चूज कर पाएंगे अगर एक्स यू वी थ्री डबल ओ से रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं या हमारी वीडियोज को लेकर कोई सजेशन हैं तो प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट वी थ्री डॉट कॉम पर भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं